हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सर्विस सेक्टर का। ठीक, जैसे लास्ट टॉपिक हमने बहुत सारे पढ़े हैं, कौन से टॉपिक्स की बिजनेस के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, है ना, बिजनेस के सेक्टर्स कौन से होते हैं, उसी के आगे हमारा एक टॉपिक है जो है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। हम आप सब लोग सर्विस लेते हैं, बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेते हैं आप लोग, है ना, आप सभी लोग किस चीज़ की सर्विस लेते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन की सर्विस लेते हैं, एक तरह से यूट्यूब चैनल भी आप देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, एक सर्विस ले रहे हैं आप, है ना। तो ऐसी कई तरह की सर्विस, इंश्योरेंस कराते हैं आप लोग तो एक सर्विस है। तो ये सर्विस सेक्टर कैसे काम करता है, इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो क्लास तक मिल जाएंगे। वीडियो क्लास तक बने रहें, समझते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सर्विसेज का मतलब क्या होता है। सर्विस वो है जो गुड्स से डिफरेंस है। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो दो फॉर्म में करते हैं, या तो सर्विस के फॉर्म में या फिर गुड्स सप्लाई करने के फॉर्म में। मैं अगर आपको गुड्स सप्लाई करूं तो एक तरह से वो भी मेरा एक बिजनेस कहलाया, और अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, एक टीचिंग सर्विस हुई। मैं आपको कोई चीज़ भेज तो नहीं रहा, मैं आपको कोई फिजिकली चीज़ प्रोवाइड तो नहीं कर रहा, वो एक क्या हुई, एक तरह की ये सर्विस हुई कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जनरली मैं अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लियर, चलिए देखते हैं। मीनिंग में देखा हमने, तो मीनिंग मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा है वर्ड्स में, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आपको क्या देती है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है। कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, आपके हेल्थ, है ना, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विस होती है इंश्योरेंस कि भैया आपके एक रिस्क को, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग कंडीशंस को ये क्या करते हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी बनाते हैं और उसकी सर्विसेज आपको देते हैं। ठीक है, जैसे बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, आपको कभी पैसों की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो बैंक क्या करती है, आपको फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट। कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो किसी पर्सन को लोन देते हैं या फिर किसी कंपनी को लोन देते हैं। तो ये सर्विसेज कौन सी कहलाती हमारी, फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टोरेज, आपने वेयर हाउस का नाम सुना होगा, कोल्ड स्टोरेज का नाम सुना होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं और वहाँ पर आप किसी दूसरे व्यक्ति का गुड्स स्टोर करके रखते हैं, तो वो सर्विसेज कौन सी कहलाई हमारी, स्टोरेज सर्विसेज कहलाई। तो सर्विस का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें डेली रूटीन के लाइफ को जीना है, चलना है, तो कई तरह की सर्विसेज क्या करना पड़ेंगी, लेना पड़ेंगी। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बिजनेस को रन करने के लिए जहाँ हमें डिफरेंट टाइप्स के लोगों की ज़रूरत होती है, उनके नॉलेज की नीड्स होती है, और हम उनको कुछ पे करने के बाद उनका नॉलेज अपने साथ शेयर करते हैं और बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, उन सब चीज़ों को हम सर्विसेज कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सर्विसेज, तो हमें पता चलेगा कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज। अब बात करते हैं हम किसकी, कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स मतलब इसकी विशेषता। पहली चीज़ तो सर्विस जो है इंटेंजिबल होती, दिखाई नहीं देती। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, है ना, कोई गुड्स तो है नहीं कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आपने देख लिया कि हाँ इतनी क्वांटिटी में था, इतना लार्ज स्केल में था, उसमें छोटा था, इसका ये है ना पैमाना था, मापा था हमने, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर्विस का कैरेक्टर बन गया कौन सा, इनटेंजिबिलिटी, जो दिखाई नहीं देता है। देखो मैंने यहाँ ब्लैंक कर दिया इनकी आँखों, ये दिखाई नहीं है, इनको देखने की परमिशन नहीं है, या हम इसको देख नहीं सकते। देखो आँखें क्या है इनकी, क्लोज है, इनटेंजिबल होता है। हमेशा याद रखना कि सर्विसेज क्या होती है हमारी, इनटेंजिबल होती है, जो कि दिखाई नहीं देती है। क्लियर सर, आप तो दिख रहे हैं हमें, है ना, आप कह रहे हैं सर्विस तो आप तो दिख रहे हैं हमें, तो ये बेटा मैं दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी सर्विसेज क्या कोई फिजिकल फॉर्म में आपको मिल रही है क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या पढ़ना ऐसा आ रहा है कि ये एक किलो पढ़ना आ गया हमारे पास, ये तोल के थैली में लिया एक किलो, ऐसा नहीं है ना। मैं हूँ एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये दिख रहा है सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन मेरा पढ़ाना क्या आप थैली में भर के ले जाओगे क्या, नहीं ना। इसलिए कहते हैं सर्विसेज क्या होती है हमारी, एक इंटेंजिबल एस होती है। ठीक है, जैसे एक चीज़ और होती है कि ये सर्विसेज जो होती हैं वो कभी भी क्या नहीं की जा सकती हैं, कस्टमर से अलग नहीं की जाती है, सेपरेशंस नहीं होता है। मैं हूँ तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं नहीं आऊँगा, आप मेरी सर्विसेज किसी दूसरे के हाथ भिजवा दूंगा, या मैं अपनी सर्विसेज आपके हाथ किसी दूसरे के हाथ आपके यहाँ भिजवा दूंगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। कि भाई मैं कह दूँ कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा एक दोस्त आएगा, मेरा कोई साथी आएगा, वो आपको सर्विस दे देगा, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ में स्पेशल है, जो सर्विस दे रहा है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे डॉक्टर, वो क्या बोलेगा, मेरे को नहीं आता, मेरा दोस्त आके क्या कर देगा, आपको इलाज कर देगा। माना कोई दूसरा डॉक्टर होगा तो वो अपने लेवल पर करे, क्या उसकी सर्विस इसको मिल जाएंगी क्या, नहीं। इसलिए कहते हैं सर्विस का एक कैरेक्टर्स बन गया कि ये क्या होता है, इन सेपरेशन, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। अच्छा, लैक ऑफ स्टोरेज,
जैसे गुड्स है, आपको मैंने एग्जांपल दिया, वेयरहाउस में क्या कर सकते हैं, गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या सर्विस को आप स्टोर कर सकते हो क्या? मैंने आपको पढ़ाया, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या उसको आप अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं? कोई शुगर चीनी शक्कर तो है नहीं कि जाके हमने क्या कर लिया, डब्बे में भर के रख दिया, ऐसा नहीं होगा। आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्लियर है, आई बात समझ में? तो लैक, लैक मतलब होता है कमी, लैक ऑफ स्टोरिंग, हम सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। और एक और होता है, कस्टमर हैज इट अ अपॉर्चुनिटी स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, जिस तरह से जिस व्यक्ति की जरूरत होती है उस तरह से वो अपनी सर्विसेज को लेता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की सर्विसेज की नीड होती है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को एक तरह की सर्विस चाहिए तो दूसरे व्यक्ति को सेम चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंट पर्संस नीड अ डिफरेंट सर्विसेज, ओके। साथ में क्या होता है भाई साहब, ये क्या होता है, डिफरेंट सर्विसेज, और डिफरेंट समझ में आ गया आपको, है ना, स्पेशल होता है। साथ में ये समझ में आ गया कि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये भी समझ में आ गया कि इसको सेपरेशंस नहीं किया जा सकता, ये समझ में आ गया कि ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ लिया बच्चों कि मीनिंग क्या होता है, और साथ में क्या पढ़ लिया, कैरेक्टर्स। सर आखिरकार ये सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं और कौन से लोग देते हैं, तो इसके बारे में हमारा इस टाइप्स ऑफ सर्विसेज, देखो हम क्या देते हैं, पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस, सोशल सर्विस, और कौन सी सर्विस, बिजनेस सर्विस। एक एक कैरेक्टर्स लिखा मैंने इसके बीच में, जैसे पर्सनल सर्विस, लैक कंसिस्टेंसी, जरूरी नहीं है कि हम पर्सनली तौर पे आपको सर्विस देते ही रहेंगे, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, एक जैसी रहें ऐसा जरूरी नहीं है, उन सर्विसेज को क्या कहते हैं, हम पर्सनल सर्विसेज कहते हैं। सोशल सर्विसेज वॉलेंटियर होती हैं, अपनी इच्छा से, जैसे मैं किसी का सेवा करूं, है ना, किसी को कुछ समझाऊं, या किसी के सोसाइटी में जाके कोई डोनेशन कर दूं, किसी तरह की कोई सर्विस दे दूं, किसी को पर्सनली तौर पर टीचिंग कर दूं, या फिर जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा के आ जाऊं, इज अ सोशल सर्विस, इसमें कोई फाइनेंशियल लॉजिक ही नहीं है, बस ये वॉलेंटियरिंग अपनी इच्छा से होती है, जरूरी नहीं है कि पैसा हो इसमें, अपनी इच्छा से करने वाली सर्विस को हम कौन सी सर्विस कहते हैं, सोशल सर्विस। और बिजनेस देखो यहाँ पर कितना बढ़िया, रॉ मटेरियल से क्या बनाया, रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होने, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो पूरी सर्विसेज या जो पूरी प्रोसेस यूज़ की जाती है उसको हम कौन सी सर्विसेज कहते हैं, बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। अच्छा, अब आपके लिए इस वीडियो में ये है कि सर्विसेज कौन कौन सी, जैसे इस या आगे के जो टॉपिक है हमारे जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, कौन सा है, बैंकिंग, बैंकिंग किस तरह से चलता है, बैंकिंग कैसे सर्विसेज देता है, कस्टमर से कैसे डील करता है, हम बैंक के साथ कैसे डील करते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है, किस तरह से चलता है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, कैसे चलता है, कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, टेलीफोन यूज़ करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं जो हमें मिलती हैं, वेयर हाउसिंग सर्विसेज किस तरह से मिलती हैं, कौन से कोल्ड स्टोरेज कैसे मिलते हैं, छोटा वेयर हाउस कैसे मिलता है और वो क्या क्या हमें सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, है ना, क्योंकि आप जाते आते हैं तो आप बस थोड़ी खरीद लेते हैं कि ट्रेन खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते ना, हम सिर्फ उसकी क्या लेते हैं, सर्विस लेते हैं। तो कुछ टॉपिक जो हैं जो हमें आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में आपको क्या समझ में आ गया, लेक्चर में, आज के लेक्चर में समझ में आ गया कि सर्विसेज क्या होती हैं और उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और सर्विसेज को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, ये समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। दो तीन सेकेंड के लिए मैं स्क्रीन से अलग हूँगा ताकि आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप स्क्रीन शॉट ले सकें, ठीक है, क्लियर। तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि आगे और कमेंट में बताएं कि आगे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ओके, थैंक यू।